गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार यादव। मैं आज आपके लिए मैथ के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं जो रेलवे और एसएससी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए पहला क्वेश्चन, एक निश्चित दूरी को एक निश्चित चाल से तय किया जाता है। यदि आधी दूरी को दोगुने समय में तय किया जाता है तो दोनों चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल को अपन लिख देते हैं एस, एस मतलब स्पीड, दूरी का हो जाएगा डिस्टेंस बटा टाइम का हो जाएगा टी। तो पहले ये हो जाएगा पहले और ये हो जाएगा बाद। तो पहले वाला अपन अगर दूरी, दूरी कितनी है पहले डी, तो बाद में हो जाएगी डी बाई टू। पहले समय कितना है, पहले समय टी है तो बाद वाला हो जाएगा टू टी, टू टी। तो चाल हो जाएगी, चाल हो जाएगी, चाल डी टी बटा डी टी, और इधर हो जाएगा डी बटा फोर टी, डी बटा फोर टी। अब चालों का अनुपात, चालों का अनुपात हो जाएगा डी बटा फोर टी। तो टी से टी चला जाएगा, डी से डी, तो ये अनुपात हो जाएगा 4:1। दूसरा क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, राजा अरुण से 3 गुना बड़ा है। राजा कितने कितने गुना बड़ा है अरुण से, तो राजा और इधर आ जाएगा अरुण, अरुण से कितने गुना बड़ा है 3 गुना। तो ये एक, अगर अरुण एक है तो राजा कितना है 3। 3 वर्ष बाद वह अरुण की तुलना में 4 गुना बड़ा होगा। तो 3 वर्ष पहले 3 गुना बड़ा है, 3 वर्ष बाद वह अरुण की तुलना में 4 गुना, 3 वर्ष बाद वह अरुण की तुलना में 4 गुना बड़ा था। कितना गुना बड़ा था, 4 गुना 3 वर्ष बाद। तो इधर भी 3, इधर भी 3, इधर इससे कितना गुना बड़ा था 4। तो 4 × 4x − 3x बराबर आ जाएगा x बराबर 4 × 12 − 3 12 − 3 बराबर आ जाएगा x बराबर 9। तो राजा अब कितने वर्ष का है, तो राजा 9 × राजा का मान 3, तो 9 × 3 = 27 वर्ष। आगे देखें स्टूडेंट्स, दूसरा तीसरा क्वेश्चन, ए बी को 25% लाभ पर 300 में एक माल बेचता है। ए को कितने में, ए बी को, बी को कितने में बेचा 25% लाभ पर, 25% लाभ पर कितने में बेचा बी को। बी से 10% हानि में सी को बेचता है। बी से कितने 10 − 10% हानि में कितने सी को बेचता है। तो ए के क्रय मूल्य का कितने प्रतिशत के बराबर है, तो ए अगर ए 25% लाभ पर 300 में बेचता है तो 300 × 125 × 100 तो ये 25 से 5 बार, ये 25 से 4 बार, ये 25 से 5 से 6 बार, मतलब 240 में ए ने कोई वस्तु खरीदी और 300 रुपये में बी को बेच दी। बी ने इसे 10% हानि मतलब 270 रुपये में सी को बेचा। इस सौदे में सी का क्रय मूल्य ए के क्रय मूल्य के कितने प्रतिशत के बराबर है, तो सी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 270 बटा 240 ए का क्रय मूल्य इंटू 100, 0 से 0, 3 × 8 = 24, 3 × 9 = 27, 900 बटा 8, 900 बटा 8 हो जाएगा 112.5%। आगे देखें स्टूडेंट्स, चौथा क्वेश्चन, 4.55 मीटर लंबे और 5.25 मीटर चौड़े एक आंगन में समान आकार की वर्गाकार टाइल लगाए गए हैं। प्रयुक्त टाइलों के अधिकतम आकार ज्ञात कीजिए।
इनका निकालना पड़ेगा अपन को पहले 4.55, 4.55 मीटर को अपन को बदलना पड़ेगा सेंटीमीटर में, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 455 सेंटीमीटर, और 5.25 मीटर को अपन को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटू 100, इसको भी इंटू 100, तो ये हो जाएगा 525 सेंटीमीटर। अब इनका निकालना पड़ेगा अपन को HCF, तो 455 और 525 का HCF किससे जाएगा, 5 से, 5 9 45, 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5 और 5 25, फिर जाएगा 7 से, 7 से 91 13 बार और ये 15 बार, तो इसका HCF आ जाएगा 5 × 7, 5 × 7 35। आगे देखें स्टूडेंट्स, पांचवा क्वेश्चन, 8 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर उसकी परिधि को स्पर्श करने वाले स्पर्श करते हुए बनाए गए एक वृत्त का क्षेत्रफल, 8 सेमी त्रिज्या, तो एक ये हो गया वृत्त, इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 8 सेमी, अगर त्रिज्या अपन अगर 8 सेमी इसकी त्रिज्या मान लेते हैं, तो एक वृत्त है, एक वृत्त इसकी परिधि को स्पर्श कर रहा है, तो इसका जो व्यास होगा, जो वृत्त का परिमाप हो जाएगा, जो इसका व्यास होगा वो इसका वृत्त का विकिरण, तो वृत्त का विकिरण, विकिरण बराबर होता है ए रूट दो, ए का मान कितना है 16 रूट, ये हो जाएगा विकिरण, हो जाएगा इसका 16, ये है ए रूट दो, तो ए का मान हो जाएगा 16/√2, तो इसका वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हो जाएगा 16/√2 इंटू 16/√2, तो रूट दो को रूट दो से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 2, तो इससे कट जाएगा 8, 16 × 8, 16 को 8 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे देखें स्टूडेंट्स, छठवां क्वेश्चन, यदि a इंटू बी बराबर a प्लस बी प्लस रूट ए बी है, तो 4 × 9 का मान, तो a इंटू बी बराबर अपन कितने रख देंगे 4 × 9, तो 4 + 9 + √4 × 9, तो ये हो जाएगा 4 × 9 = 13 + √9 = 36, तो ये हो जाएगा 13 + 6 = 19। आगे देखें स्टूडेंट्स, सातवां क्वेश्चन, सरल कीजिए 3 सही 1/2, तो 2 × 3 = 7/2 प्लस 3 × 15 = 2 = 17/3 माइनस 6 × 24 और 7 31/6, इन सब का लघुतम आ जाएगा 6, यह आ जाएगा 7 × 21 प्लस 17 × 34 माइनस 31, तो ये हो जाएगा 21 × 3 = 24/6, ये हो जाएगा 6 × 24 = 4। आगे देखें स्टूडेंट्स, आठवां क्वेश्चन, एक आयत का परिमाप 18 इकाई भुजा वाले एक वर्ग के परिमाप का 2 गुना है, तो वर्ग, तो वर्ग का परिमाप कितना है 18 इकाई इसकी अगर एक भुजा है, a बराबर कितने 18, तो इसका परिमाप हो जाएगा, इसका 18 × 72, परिमाप से 2 गुना है, तो 72 × 2, परिमाप कितना हो जाएगा आयत का 144, तो आयत की चौड़ाई 45 है, तो ये 45
पैंतालीस पैंतालीस तो 45 45 90, तो 144 माइनस 90 बराबर कितना? 144 माइनस 90, 144 माइनस 90 बराबर कितना हो जाएगा? 54। तो ये हो जाएगा 27 और ये 27, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी है? 27 इंटू चौड़ाई 45। तो 27 इंटू 45 1215, 1215। आगे देखिए स्टूडेंट्स, नौवा क्वेश्चन, संख्या 3 6 7 5 1 4 9 में पांच का स्थानीय मान, तो पांच का स्थानीय मान हो जाएगा 5000, और पांच का अंकीय मान, तो पांच का ये तो हो जाएगा स्थानीय मान का मतलब पैलेस वैल्यू, PLACE पैलेस वैल्यू, और इसका अंकीय मान, अंकीय मान मतलब फेस वैल्यू, FACE फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कितना है? पांच। के बीच का अंतर, तो 5000 में से 5 चला जाएगा तो ये आ जाएगा 4995। आगे देखिए स्टूडेंट्स दसवां क्वेश्चन, एक चोर 400 किमी दूर एक शहर की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चार की चाल से कार चलाते हुए भागता है, कितना है? 400 किमी दूर स्थित एक शहर की ओर, 400 किमी दूर एक शहर की ओर कार चलाता हुआ भागता है, ये शहर की दूरी कितनी है? सिर्फ 30 मिनट के बाद, तो चोर कितना किलोमीटर चला गया? 30 किलोमीटर। पुलिस 80 किलोमीटर चाल से उसका पीछा करना शुरू करती है, चोर को पकड़ने तक पुलिस द्वारा तय की गई दूरी, तो ये 30 किलोमीटर की दूरी वो चोर तय कर लिया। चोर की स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर। ये हो गई चोर की स्पीड, और पुलिस की स्पीड कितनी है? 80 किलोमीटर। पुलिस कितनी है? 20 किलोमीटर ज्यादा, तो 20 30 बटा 20, 30 बटा 20 कितनी देर में? 1.5 घंटे में, 1.5 घंटे में पकड़ लेगी, तो 80 × 1.5 बराबर 80 × 1.5 बराबर 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर की दूरी तय करेगी पुलिस। आगे देखिए स्टूडेंट्स ग्यारहवा क्वेश्चन, शहर टाइपिस्ट 16 दिनों में एक डेटा दिए गए एक डेटा को टाइप करते हैं, चार टाइपिस्ट उसी काम को करने में कितने दिन लगाएंगे? तो 6 टाइपिस्ट एक काम को 16 दिनों में करते हैं, तो चार टाइपिस्ट उसी काम को करने में कितने दिन लगाएंगे? तो 6 × 1 × 16 बटा 4 × 1 × अक्स, तो 16 के अंदर 4 का भाग देंगे, 4 अक्स बराबर 6 × 4 बराबर 24 दिन। आगे देखें स्टूडेंट्स बारहवा क्वेश्चन, 3 पुरुष 14 महीने 8 महीने और 7 महीने की साझेदारी के साथ एक व्यापार में प्रवेश किया, यदि उनके लाभों का अनुपात 5:7:8 है तो उनके निवेश का अनुपात, तो 3 पुरुष ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा और ये हो गया तीसरा, तो ये 14 महीने, ये 8 महीने और ये 7 महीने, और उनके लाभों का अनुपात 5:7:8, 5:7:8, तो ये कितना हो जाएगा निवेश? निवेश हो जाएगा 5/14, इधर हो जाएगा 7/8, इधर हो जाएगा 8/7, 8/7, तो ये हो जाएगा कितना? 14/8 और 7 का लघुत्तम आ जाएगा 56, तो 56 × 5/14, 56 × 5/14 आएगा 5×20 इसका मान। अब 56 × 7/8
ये आ जाएगा कितना, 49। और 56 इंटू 8 बटा 7, 7 से 8, 8 घंटे 64, तो आ जाएगा अनुपात 20:49:64। आगे देखें स्टूडेंट्स 13वां क्वेश्चन, ए और बी की आयु का अनुपात 3:2 है। कितना अनुपात है, ए और बी की आयु का अनुपात 3:2 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 80 होगा। 80 कितने साल बाद, 10 वर्ष बाद, तो दोनों की आयु में से कितना घटाएंगे अपन, 20 वर्ष घटाएंगे, इसके अंदर दोनों की बड़ी है ना 10-10 वर्ष, तो 80-20=60। तो अभी अनुपात कितना है, 3:2, तो 60 बटा अनुपातों का योग 3 और 2 5, तो 60 में 5 का भाग देंगे 12, तो उनकी 12 × 3 = 36 वर्ष ए की हो जाएगी अभी, और 12 × 24 वर्ष बी की हो जाएगी। आगे देखें स्टूडेंट्स 14वां क्वेश्चन, एक ट्रेन 36 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार करती है और प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है। यदि ट्रेन की गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी। ट्रेन की गति कितनी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 54 किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 5/18 से 18 × 36 = 54, मतलब 15 मीटर प्रति सेकंड। तो प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को कितने सेकंड में पार कर रही है, 20 सेकंड में, और उसको प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में, तो प्लेटफॉर्म पूरे को 36 सेकंड में और प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को 20 सेकंड में, 36 − 20 = 16, तो 15 × 16 कितनी हो जाएगी, 240 इसकी प्लेटफॉर्म की लंबाई। आगे देखें स्टूडेंट्स 15वां क्वेश्चन, यदि 200 पुरुष प्रतिदिन 8 घंटे, तो प्रतिदिन 8 घंटे काम करी एक नहर को कितने दिन में, 6 दिन में खोद सकते हैं। ये हो गया टाइम, ये हो गया कितना काम किया वो, और ये हो गया कितने लोग, तो 300 आदमी। अब 300 आदमी एक नहर को प्रतिदिन 6 घंटे काम, तो प्रतिदिन 6 घंटे काम कर रहे हैं तो कितने दिन में खोदेंगे, तो इनका अनुपात तीर्थ अनुपात 200 × 1 × 6 × 8 / 300 × 1 × x × 6, 20 से 20 x इसे 6 से 6 चला गया, 8 × 16 / x = 16/3 x = 16/3 दिन में। आगे देखें स्टूडेंट्स 16वां क्वेश्चन, हल कीजिए 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16, तो इसका मान आएगा 1 + इसका मान निकालने के लिए a/(1 − r) तो ये जाएगा 1 + 1 = 1 − 1/2, तो ये हो जाएगा 2 × 1 = 2, 2 में से 1 चला गया 1/2, तो ये हो जाएगा 1 2 ऊपर आ जाएगा 1 × 2/1, तो इसका मान हो जाएगा 2। आगे देखें स्टूडेंट 17वां क्वेश्चन, अपने जेब खर्च का 1/4 हिस्सा चॉकलेट पर और 1/8 हिस्सा पिज्जा पर खर्च करने के बाद एक लड़की के पास 40 शेष बचते हैं, तो अगर उसके पास पूरा 1 है, 1 − 1/4 हिस्सा चॉकलेट पर प्लस 1/8 हिस्सा, 1/8 हिस्सा कितना उसके पास बचा, तो 1 - इसका अनुपात आ जाएगा 8, इधर आ जाएगा 2 − 1 + 1, तो हो जाएगा 1 − 1 − 2 = 3/8, तो हो जाएगा 8 × 1 = 8, 8 में से 3 चला गया, तो ये हो जाएगा 5/8, तो 5/8 = कितना है, 40, तो ये हो जाएगा
अक्स बराबर 40 इंटू 8 बटा 5, 5 से 8 बार अक्स बराबर 64। आगे देखें स्टूडेंट्स 18वां क्वेश्चन, एक निश्चित राशि 4% वार्षिक दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 140 एस आई मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना है 140 4% की वार्षिक दर से, यही हो जाएगा 140 समान राशि पर समान दर से समान अवधि के लिए साधारण और चक्रवर्ती ब्याज। तो साधारण ब्याज इसका हो जाएगा 8% और चक्रवर्ती ब्याज एस आई मतलब सिंपल इंटरेस्ट 8% और सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 8.16। तो 140 बटा 8% इंटू ये हो जाएगा 0.16 का मान अपन को निकालना है अंतर, पॉइंट हट जाएगा नीचे आ जाएगा 100, ये इससे चला जाएगा 8 से 2 बार 0 से 0 14 दुना 28 बटा 10 ये हो जाएगा 2.8 रुपया। आगे देखें स्टूडेंट्स 19वां क्वेश्चन, 5 में 6 के नग के मूल्य पर खरीदी की वस्तु 6 में 5 के नग के भाव पर बेचने पर, मतलब 5 रुपये में 6 की दर से कोई वस्तुएं खरीदी और 6 रुपये में 5 की दर से बेच दी, तो अपन को वस्तु समान करने के लिए इनका एलसीएम आ जाएगा 30, ये आ जाएगा ऊपर 5 और नीचे आ जाएगा 6, इसको रुपये से गुना, मतलब 25 रुपये में कोई वस्तु खरीदी और 36 रुपये में बेच रहा है, तो होने वाला लाभ कितने का हो गया 11 का, कितने पे 25 पे इंटू 100, तो 100 के अंदर 25 का भाग 4 11 चौक 44% का लाभ। आगे देखें स्टूडेंट्स 20वां क्वेश्चन, आधार का व्यास 10 सेमी, आधार का व्यास कितना सेमी 10 सेमी और ऊंचाई 20 सेमी वाले एक बेलन को समान आधार किंतु दुगनी ऊंचाई वाले एक शंकु में परिवर्तन करने में बर्बाद हुए पदार्थ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो अगर आधार का व्यास 10 सेमी है तो त्रिज्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी हो जाएगी h बराबर 20 सेंटीमीटर, परिवर्तन कितने में कर रहा है शंकु की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 5 सेमी में और ऊंचाई में कितनी 40 सेमी दुगनी ऊंचाई, तो ये हो जाएगा इसका आयतन, इसका बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हो जाएगा 22/7 इंटू 5 का 25 इंटू ये हो जाएगा 20, इधर हो जाएगा 1/3 इंटू 22/7 इंटू 25 इंटू 40 ये हो जाएगा 22 इंटू 500/7 इधर हो जाएगा 22,000/21 22,000/21 ये हो जाएगा 11,000/7 इधर लिख लेते हैं मन, ये हो जाएगा 11,000/7 माइनस 22,000/21 ये इसका अंतर हो जाएगा 11,000/21 बर्बाद हो गया बर्बाद प्रतिशत 11,000/7 इंटू 100 इनका सबका हल करने पर आएगा 33.3%। आगे देखें स्टूडेंट्स 21वां क्वेश्चन, 1.75 5.6 और 7 का लैसे पे और मैसे पे याद कीजिए, 1.75 का आ जाएगा 175/100, 5.6 का आ जाएगा 560/100, 7 का आ जाएगा 700/100 इसका एलसीएम, तो एलसीएम ऊपर वाले का एलसीएम कितना आएगा
ऊपर वाले का एलसीएम आ जाएगा 2800, 2800, और नीचे वाले का एचसीएफ आ जाएगा 100, तो ये आ जाएगा 2800 बटा 100 का आ जाएगा 28, 28 ये आ गया एलसीएम। और एचसीएफ निकालने के लिए ऊपर वाले का एचसीएफ आ जाएगा 35, और नीचे वाले का एलसीएम आ जाएगा 100, तो 35 में 100 का भाग देंगे तो 0.35 ये आ जाएगा इसका एचसीएफ। आगे देखें स्टूडेंट्स, 22वां क्वेश्चन। अरुण एक रंगीन टेलीविजन को 16,000 का नगद भुगतान करना चाहता है और बाला उसी टेलीविजन को 2 वर्ष बाद दे 17,176 में खरीदना चाहता है। यदि साधारण ब्याज की दर 5% वार्षिक है तो दुकानदार के लिए कौन सा सौदा बेहतर है? कितने हजार में? 16,000 में। कितने हजार में खरीद रहा है? 16,000 में। दूसरा कितने में? 16,000 मूलधन गुणा दर 5%, समय 2 वर्ष बटा 100, 20 से 20, 20 से 20, 160 × 10 1600, ये कितने में हो जाएगा? 16,000 प्लस 1600 बराबर 17,000 बराबर 16,000 बराबर 17,600, तो कितने कितने में? बाला वाले में। तो ये तो 17,600 दे रहा है और वो दे रहा है कितना? 17,776, तो बाला वाले में उसको फायदा रहेगा। धन्यवाद स्टूडेंट, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा।